नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के सबसे अत्याधुनिक विमान तेजस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है। और ये उड़ान कई मायनों में इसलिए भी आम से खास हो जाती है क्योंकि जो तेजस है वो भारत निर्मित विमान है, मेड इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया के तहत बना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये विमान बना है और इसके माध्यम से भारत ने पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अब लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तेजस न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि कई अन्य एयरफोर्स के लिए भी पहली पसंद बन चुका है। काफ़ी देश इसको लेकर अपनी रुचि दिखा चुके हैं कि उन्हें भी तेजस चाहिए। तेजस एक हल्का विमान है जो कि छोटा भी है और हल्का भी है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है किसी भी बैटलफील्ड के अंदर। और दूसरी बात, छोटा और तेज होने के चक्कर में, हल्का होने के चक्कर में ये क्या करता है कि रडार के अंदर भी पकड़ में नहीं आता है। साथ ही साथ तेजस के माध्यम से भारत जो है अपनी रक्षा जरूरतों के साथ साथ अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उसको लेकर भी आत्मनिर्भर हो चुका है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाने की कोशिश की है। अभी हाल ही में अमेरिका से भारत ने समझौता किया जिसके तहत भारत जो है फाइटर जेट इंजन की जो बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भी भारत में ही होगी और अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी भारत में शिफ्ट होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट भी हो चुका है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये उड़ान है तेजस के अंदर, ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मिसाल पेश होगी। और आपको क्या लगता है तेजस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उड़ान है वो भारत के रक्षा सौदों को लेकर कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है और क्या भारत अब आने वाले भविष्य में रक्षा और डिफेंस के मामलों में आत्मनिर्भर बन जाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।